नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे टाटा के उन शेयर्स के बारे में जो आज एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, और ये शेयर काफी न्यूज में भी है। काफी पहले भी इस शेयर के बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा किया था। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। जब से न्यूज आया है टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड टाटा मोटर्स में बेहतरीन तेज देखने मिला था, लेकिन बीच में एक करेक्शन भी हमें देखने मिला, और उसके बाद फिर आज से एक ब्रेकआउट इसमें देखने मिला है। तो आप चाहे तो इसमें अब जो है पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल ये प्राइस यहां से ऊपर ओपन होता है, मतलब यहां से ऊपर जाता है, जब तक ये सिंपल प्राइस एक्शन का जो उपयोग करते हैं किसी भी स्टॉक में का ब्रेकआउट हुआ उसके लिए, और क्या टारगेट होना चाहिए उसके लिए। टारगेट के लिए आप स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाएंगे। अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है, अगर अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाइए। तो देखिए टाटा मोटर्स इसमें हमने जब ये 65 रुपीज़ 70 रुपीज़ का था उसी समय से इन्वेस्ट करने बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। तो 70 रुपीज़ से यहाँ देख सकते हैं 4 टाइम से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, मतलब 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको इसमें मिल चुका है। अगर आपने 70 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया था, आपको बताया था कि अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, ये सब जो ऑटो इंडस्ट्री पिछले 3 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म है, जब परफॉर्म करेगा तो ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे आपको। देखिए टाटा मोटर्स पहले जो है 307 रुपये 308 रुपये का यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखने मिला और ये स्टॉक आ गया यहाँ से 258 रुपीज़ तक। और यहाँ से फिर से देखते हैं 1 फरवरी से जो बजट का डे था, बजट के डे में सारे मार्केट में काफ़ी तेज, मतलब तेज देखने मिला, क्योंकि मार्केट जो है बजट को अपने फेवर में लिया। तो बजट जो मार्केट फ्रेंडली था जिसके कारण मार्केट में काफ़ी तेजी देखने मिला। ये जो मतलब गिरावट हो रहा था, करेक्शन होता है, जो लोअर हाई था उसका जो ये ट्रेंड लाइन था इसको यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते थे। और यहाँ पर पोजीशन बनाने के बाद पहला जो ये मतलब रेसिस्टेंस था इसको क्रॉस किया, उसके बाद ये यहाँ से क्रॉस करने के साथ आज काफ़ी गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद ऑल टाइम हाई जो था इसका, गैप अप ओपन होने के बाद इस साल का जो इसका हाई है 305 रुपीज का उसको भी ब्रेक किया। और यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक एक गजब का मोमेंटम दिया है, आगे भी इसमें मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू नहीं रहे। अगर इसके बात करें कि ऑल टाइम मतलब चार्ट कैसा है, तो आप वीकली चार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आप वीकली चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक पहले कहाँ पर काफ़ी मतलब हाई प्राइस का हुआ करता था। यहाँ पर देखते हैं 600 रुपीज से भी एवप का ये स्टॉक था, तो 600 से भी एवप रुपीज का ये स्टॉक था जो कि आपको मात्र 60 रुपीज में मिल रहा था, तो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा था। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो 4 टाइम्स का रिटर्न आपको मिल चुका है। और ये इसका जो ये पीछे का यहाँ पर जो सपोर्ट लेता था, आज इस सपोर्ट को यहाँ पर मतलब ये जो रेसिस्टेंस के रूप में काम किया था पिछले बार जब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ था, इस बार यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। अब देखते हैं अगला जो टारगेट इसमें आ सकता है वो होगा आपका अगला टारगेट इसमें 360 रुपीज़ 350 रुपीज़। तो 360 350 रुपीज़ तक का मोमेंटम ये कैरी कर सकता है कल हो या अगले 2-3 ट्रेडिंग डे में। तो आप इसमें चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टेड रहिए, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में तेजी है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है, देखते हैं इस स्टॉक में भी करेक्शन आया था, तो जैसे करेक्शन आएगा तो हर स्टॉक में आएगा, तेजी होगा तो ये स्टॉक फिर आपको 400 तक भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जो न्यूज है टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से रिलेटेड वो न्यूज काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक किसी भी प्राइस लेवल तक जा सकता है, 400 500। अगर टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। अगर मार्केट कैप की बात है, 105,961 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करेंट प्राइस तो आपने देख ही लिया, अभी जो है 325 रुपीज़ के आसपास है। और जो यहाँ पर स्टॉक का पी की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक का पी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस कंपनी के अगर बात करें प्रमोटर्स होल्ड 42% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, और जिसमें 3.95% शेयर प्लेज है। अगर बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का, तो कंपनी लॉस में चल रही है, देखिए 15,000 करोड़ का लॉस है कंपनी का। लगातार 2 साल से कंपनी लॉस में है, और कंपनी के ऊपर जो डेट है सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण कंपनी में काफ़ी गिरावट शेयर प्राइस में देखा गया था। देख सकते हैं 115,374 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, और कंपनी के पास 49,000 करोड़ का रिजर्व भी है, और साथ साथ कंपनी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो
तो कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर कंपनी अपने डेट बर्डन को कम करने में सफल होता है तभी कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। लेकिन टाटा ग्रुप का शेयर है इसलिए आपको इसमें इतनी तेजी देखने मिला क्योंकि जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट का, तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कंपनी काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2019 का फाइनेंशियल है वहीं से कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हुआ है। -31,000 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल 2019 में, और फाइनेंशियल 2020 में -10,000 करोड़ का लॉस, मतलब 10,000 करोड़ का लॉस है। और यहाँ पर पिछले मतलब 12 मंथ में लॉस जो है 12,000 करोड़ का है। तो यहाँ लगातार जो है तीसरा फाइनेंशियल भी कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट आया है। अगर मार्च 19 मतलब फाइनेंशियल 19 में बात करें तो 3 लाख करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जबकि फाइनेंशियल 2020 में मात्र 2,61,000 करोड़ का आया। तो जो सेल्स है कंपनी का उसमें भी गिरावट है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 2,23,000 करोड़ का है, मतलब सेल्स भी कंपनी का गिरा है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी प्रभावित है। साथ साथ अब जो 2021 का फाइनेंशियल ईयर है इसमें पैंडेमिक भी है और ज़्यादा आपको इसमें प्रभावित दिखेगा ये सारा सेक्टर। भाई दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो आपने रिजर्व देख लिया, 49,000 करोड़ का रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। अब वहीं बात करते हैं इन्वेस्टर जब इसमें जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने मिलेगा। प्रमोटर्स का होल्डिंग देखिए, जब आपको मैंने बोला था मार्च में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में ही जो प्रमोटर्स है अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। देखते हैं 38% से 42% हो चुका है प्रमोटर्स का स्टेक। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ें आपको देखने मिलेगा यहाँ पर देखिए, राकेश झुनझुनवाल जी ने सितंबर 2020 क्वार्टर में 1.29% का स्टेक लिया है टाटा मोटर्स में। तो हम लोग जो है 2-4-5 रुपये वाले शेयर खोजते हैं, देखिए राकेश झुनझुनवाल जी किस में इन्वेस्ट किए हैं, टाटा मोटर्स में। तो जो स्टॉक काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अभी 60 रुपये में इन्वेस्ट की रहते हैं तो अभी जो रिटर्न होता है 4 गुना का रिटर्न होता है, मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो अभी आपका जो रुपया है वो 5 लाख हो जाता, मतलब 4 लाख का उस पर रिटर्न प्राप्त होता, 4 लाख से भी अधिक का, क्योंकि मात्र 65-70 रुपीज़ में ये स्टॉक मिल रहा था पैंडमिक में और अभी देखिए 325 रुपीज़ है। तो लगभग अब जो है ये स्टॉक 5 गुना रिटर्न देने वाला है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपये लगाए रहते तो 6 लाख हो जाता मात्र, ये अगर आपका स्टॉक 340 चला जाता 340 पर तो लगभग 5 गुना का रिटर्न होगा। तो दोस्तों ऐसे सॉलिड स्टॉक, ऐसे जो ग्रुप वाले स्टॉक हैं टाटा ग्रुप के, रिलायंस ग्रुप के स्टॉक और आपको HDFC ग्रुप के स्टॉक, तो जब भी गिरावट मिले काफ़ी सस्ते वैल्यूस में मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये सारे स्टॉक आपको आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे। अगर इस कंपनी का डेट जो है बिल्कुल कम कर दिया जाता है, डेट फ्री हो जाती, कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, तो फिर ये स्टॉक आपको 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ भी जा सकता है, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।